नमस्कार। कक्षा 11 में डे 72 में और चैप्टर संख्या 6 हम कर रहे हैं, जिसमें प्रत्यास्थ या अप्रत्यास्थ टक्कर के बारे में हमने पिछले क्लास में बात कर ली थी कि प्रत्यास्थ टक्कर किसे कहते हैं और अप्रत्यास्थ टक्कर किसे कहते हैं और दोनों में अंतर क्या होता है और उनकी समीकरण जो है वो किस प्रकार से लेते हैं वो भी हमने बात कर ली थी। अब हमें आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सोल्व करना है कि प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के पश्चात कणों के वेगों के व्यंजक, और ये जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सेम ये कि ये लैंग्वेज ऐसी कैसी लिखी रहती है। तो इस चैप्टर के लिए बड़े क्वेश्चन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है, अगर एग्जाम की बात करें कक्षा 11 की तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का यही है। क्वेश्चन आता है मोस्टली बड़ा क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाता है। क्वेश्चन की शुरुआत पहले जो हमने पिछली क्लास में की है वो ज़रूर पूछी जाती है कि संघट किसे कहते हैं या टक्कर किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती हैं समझाइए, तथा प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के पश्चात कणों के वेगों के व्यंजक ज्ञात कीजिए। व्यंजक का मतलब हमें सूत्र बताना है कि टक्कर के बाद में जो वेग आएंगे, बदल गए वेग, वो किस किस बात पे निर्भर कर रहे हैं, उनमें रिलेशन क्या है, अगर उनके मान निकालने हैं तो कैसे हम याद कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कैलकुलेशन करेंगे हम इसमें पूरी, ज़्यादा बातें नहीं लिखेंगे, पिछली क्लास में हमने लिख ली है, नहीं देखी है तो वो देख लें आप। इसमें हम वही बात लेकर चलेंगे कि प्रत्यास्थ टक्कर है तो क्या होता है, संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। इसका मतलब टक्कर से पहले कणों के कुल संवेग टक्कर के बाद में कणों के कुल संवेग के बराबर होते हैं। टक्कर से पहले कणों की कुल ऊर्जा टक्कर के बाद के कणों की कुल ऊर्जा के बराबर होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमें उनसे सिद्ध करना है कि V1 और V2 के मान क्या होंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए हम लेके क्या चलना है, दूसरा पता होना चाहिए हमें ज्ञात क्या करना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स सिंपल अपने यूज करेंगे इसके अंदर जो अप्लाई करेंगे, तो हम क्या मान के चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं माना दो कण जिनके वेग जिनके टक्कर से पहले वेग क्या है U1 व U2 है, इनके द्रव्यमान M1 व M2 है, टक्कर के पश्चात प्रत्यास्थ टक्कर होती है इनमें, टक्कर के पश्चात इनके वेग V1 व V2 हो जाते हैं, क्लियर। अब ये बात हमें एज्यूम करनी है, इसके अंदर मान ली हमने जो बातें ली हमने, ये एक कण मान लेते हैं टक्कर से पहले, द्रव्यमान M1 है और M2 है, वे कुछ भी हो सकते हैं, वो एक स्पेशल केसेस है कि हम मान लें कि ये रुका हुआ है, रुका हुआ तो इसको जीरो मान लेंगे, एक ही गति जैसे कंचे खेलते हैं उसमें होता है, एक रुका हुआ एक वही रखा है, हम दूसरे को फेंकते हैं मारते हैं तो क्या होता है, एक का तो वेग जीरो है, दूसरा जो जिसको फेंका जा रहा है वो गति कर रहा है तो उसका वेग कुछ ना कुछ होगा, वो U1 है, तो वो एक अलग केस है, उसको भी हम लास्ट में सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर वैसा होगा तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। अभी हम सामान्य फॉर्मूला डेराइव करेंगे, टक्कर के बाद में क्या हो रहे हैं कि इनके जो द्रव्यमान है उनमें परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, हम भी मान रहे कूट कुछ भी, और लेकिन इनका वेग परिवर्तित होता है टक्कर होने के बाद में। अब देखो दो बातें होती है किसी भी टॉपिक को सोल्व करने में, एक होती है दी हुई वैल्यूज, हमें पता होना हम मान के चलते हैं उनको, लेकिन वो हमारे पास होती है वैल्यू क्वेश्चन के अंदर, जैसे हमें कह दिया टक्कर के बाद वेगों के व्यंजक ज्ञात करो, तो टक्कर के पहले के हैं हमारे पास, यानी हमने M1 M2 माना तो इसका मतलब M1 M2 ज्ञात वैल्यूज है, पता है, और ज्ञात वैल्यू से ही अज्ञात वैल्यू सोल्व की जाती है। दूसरा U1 U2 इनके वेग हमें पता है, तो अपने पास नॉन वैल्यूज क्या है, नॉन वैल्यूज है M1 M2 और U1 U2, हमारे पास कौन सी वैल्यू नहीं है V1 और V2, और वही हमें ज्ञात करनी है। तो ध्यान क्या रखना होता है, ध्यान ये रखना होता है कि जो वैल्यू हम ज्ञात कर रहे हैं उसके सूत्र में कोई ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो पता नहीं है, जैसे हम V1 ज्ञात कर रहे हैं तो V1 के सूत्र में M1 M2 ज्ञात हो सकता है, U1 U2 हो सकता है, V1 के सूत्र में V2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि V2 भी तो पता ही नहीं है, फिर ज्ञात कैसे करेंगे, जब V2 सॉल्व कर रहे हैं तो V2 के फॉर्मूले में V1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अज्ञात है, तो दोनों को अलग अलग हमें इन फॉर्म में मान हमें ज्ञात करना है। तो ये बात सबसे जरूरी ध्यान रखनी होती है कि जब हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कोई अननोन वैल्यू नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, एक जो वैल्यूज आ रही है फॉर्मूले के अंदर वो सारी ऐसी हो जो हमें दी गई हो, उसके रूप में हमारे पास क्वेश्चन का रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे ज्ञात करना है V1 और V2 है हमारे पास ये चार बातें। अब अपने पास पता है कौन सी टक्कर है, हम जानते हैं प्रत्यास टक्कर में संवेग और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत लगता है, तो हम लगा रहे हैं संवेग संरक्षण सिद्धांत से। कैलकुलेशन ध्यान से समझ लें, हर चीज को हम देख के लिखेंगे, हर चीज को, किसी को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है तो उसके लिए एक दोबारा आप रफ में करके देख लेंगे तो हो जाएगा। इसका संवेग कितना है, संवेग होता है द्रव्यमान इनटू वेग। अब ये बेसिक बातें हमें पीछे जो हमने पढ़ी है परिभाषा को साथ साथ याद करते चलना है तो दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, इसका संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणा वेग एम टू यू टू। इसका क्या आएगा, एम वन वी वन प्लस एम टू, इसको दे दे समीकरण नंबर एक। ठीक है, थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एम वन वाई वैल्यू को एक तरफ ले लेते हैं, बाद में जरूरत रहेगी, पता चल जाए क्यों किया हमने, इसको इधर ले लेते हैं बाद में, ये करना पड़ेगा। एम वन कॉमन ले लें दोनों में से, तो ये इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, इधर आएगा प्लस का। एम वन कॉमन आ गया तो क्या आया, यू वन माइनस इसको इधर ले दो। ठीक है, वन वन वाली वैल्यू को एक तरफ ले लो, एम वन वाली को और एम टू वाली को एक तरफ ले लो। यहाँ से M2 कॉमन आ गया तो क्या आएगा, V2 माइनस समीकरण दे दो दो इसको। ठीक है, अब लगा रहे हैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। पहले कण की ऊर्जा क्या है, एक बटा दो एम वन यू वन स्क्वायर, हम दोनों की गतिशील लेकर चल रहे हैं, इसी गतिज ऊर्जा क्या होगी, एक बटा दो एम वी स्क्वायर होती है, एम की जगह एम वन की जगह बी वन, यू वन है तो यू वन ले लेंगे, इसमें एम टू यू टू ले लेंगे, मैं एम एन बी वन ले लेंगे, एम टू यू टू ले लेंगे। तो पहले की ऊर्जा कितनी होगी, दोनों की जोड़ दें, एक बटा दो एम वन सॉरी एम टू यू टू, इस पर कैलकुलेशन में भी ध्यान रखना, और इधर क्या होगी एम वन बी वन इसके प्लस एम टू। क्लियर, अब देखो यहाँ से दोनों में एक बटा दो कॉमन आ रहा है, इसमें से भी एक बटा दो कॉमन आ रहे हैं, तो क्या होगा, ठीक है, अपने पास बचा M1 U1 square, M2 U2 square, बराबर M1 V1 square plus M2 V2 square। अब देखो इसको भी वैसे ही करें, वन वाले वैल्यू को एक तरफ ले लें, ठीक है, क्यों कर रहे हैं अभी आगे बात करेंगे, इसको इधर ले लेते हैं, तो M1 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, यहाँ क्या बचेगा कॉमन आ गया तो उसके अलावा जो बच रहा वही तो है यू वन स्क्वायर, इधर क्या ये माइनस हो गया माइनस वी वन स्क्वायर, तो इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया है, एम वन कॉमन ले लिया, यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बराबर, इसको इधर ले जाओ क्या आ जाएगा, एम टू कॉमन आ जाएगा वी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि देखो एक समीकरण तो हमारे पास थी सिंपल, ये समीकरण जब भी हमें दो मान याद करने होते हैं, हमें दो मान याद करने ना, वी वन और वी टू, दो मान याद करने, दो मान याद करने होते हैं तो हमें समीकरण में कितनी चाहिए होती है, ये है कक्षा दस में आप पढ़ लिए बहुत अच्छी तरह से, क्यों एक युग्म दिया जाता है समीकरणों का, एक्स प्लस वाई बराबर तीन दे दिया, दो एक्स माइनस दो वाई तीन वाई बराबर चार दे दिया, और कहते हैं एक्स और वाई के मान याद करो, एक छह नंबर का क्वेश्चन भी आता है दसवीं क्लास के अंदर जिसमें क्या पूछा जाता है, इनका ग्राफिकल स्ट्रक्चर भी बनाओ, ग्राफ भी बनाया जाता है उसमें, तो एक ग्राफ एक सीधी रेखा आती है, तो जिनके एक हाथ होती है ऐसी समीकरण होती है, जिनमें एक हाथ होती है उनका ग्राफ सरल रेखा आता है, हमेशा सीधी रेखा आता है, उनके बिंदु मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा का निर्माण होगा। उनमें दो विधियां लगाते हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, पता है, एक एक्स के गुणांक को बराबर कर लेते हैं फिर काट देते हैं, फिर वाई का मान आ जाता है, वाई का मान दोनों समीकरणों में से किसी में भी रख दो फिर किसका मान आ जाता है, एक्स का मान आ जाता है, तो वहां हम क्या करते हैं, वहां हमें सबसे पहले तो दो समीकरण दिए होती है, वहां सिंपल दी होती है, हमें उनका यूज करना होता है, उनके गुणांक बराबर करके एक को हटा देते हैं और दूसरे का मान निकाल लेते हैं, जब दूसरे का मान आ जाता है तो उसको किसी में भी रख के सॉल्व कर लो, हमारे यहाँ समीकरण हमें बनानी पड़ेगी, हमें दी नहीं है समीकरण, ठीक है, बनाने के बाद में जैसे एक्स वाई में हम सोल्व कर लेते हैं सिंपल सिंपल समीकरण, बड़ी समीकरण भी वैसे ही सोल्व होती है,
क्या करते हैं, एक कैसे करते हैं, वहां एक्स प्लस वाई बराबर दो है, उसके नीचे दो एक्स प्लस दो और तीन वाई बराबर चार है, तो क्या करेंगे, गुणांक बराबर करेंगे, तो पूरी समीकरण को दो से गुणा कर दो, एक्स एक्स बराबर हो गए, ठीक है, घटाएंगे तो सारे निशान बदल देते हैं, बदल देते हैं ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, जो जुड़ रहे होंगे जोड़ दो और उत्तर निकाल लो इसका। वैसे यहाँ पर भी वैसे ही करना होगा, समीकरण बड़ी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तरीके वही है, आठवीं नौवीं दसवीं क्लास की, उसमें कुछ नहीं बदलेगा। अब हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अब देखो एक समीकरण तो सिंपल आ ही रही है, इन दोनों समीकरणों से हम एक नई समीकरण और निकाल लेंगे, क्योंकि हमें कितनी समीकरण चाहिए, दो चाहिए, जब v1 निकालना है तो v2 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी बात की थी ना अननोन वैल्यू में दूसरी अननोन वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है, तो एक वैल्यू हमें हटानी पड़ती है, वहां से हटाने के लिए विधियां हैं अपने पास, सिंपल सिंपल गुणांक बराबर करके काट दो जोड़ दो घटा दो, वही हम करेंगे। तो यहाँ एक समीकरण तो ये आ गई, दूसरी प्राप्त करने के लिए क्या करें, हमने ऐसा इस समीकरण को ऐसे कन्वर्ट कर लिया, ये भी ऐसे में आ गए, अब देखो इसके अंदर एक फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में गुणा में फिर एक बार माइनस में, इसको व्यक्त किया जा सकता है। तो यहां से क्या आएगा, यहां से देखें तो समीकरण तीन में दो का भाग दे दो, तो इसमें एक स्टेप तो माइनस का आएगा, एक प्लस का आएगा, तो माइनस से माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा, एम वन से एम वन कट जाएगा, तो समीकरण आसान हो जाएगी। तो तीन में क्या करें, किसका भाग दे दें, दो का भाग दे दें, तो एल एच एस में एल एच एस का और आर एच एस में RHS। तो यहां से एम वन, इसको मैं सोल्व करके लिख रहा हूं, U1 square minus V1 square, तो एक बार प्लस में लिखेंगे U1 minus V1 into U1 plus D1, clear? इसमें डिवाइड कर देंगे इसका LHS का M1 U1 minus V1, इधर बराबर में लिखेंगे तो इसको लिख रहा हूँ M2, क्या करेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो V2 minus U2 into V2 plus U2। अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं होता है तो आप उसको क्या करो, ब्रैकेट में लिख दो। यहाँ हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, हमने यूज किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ ए की जगह यू और वी लिखिए, मैं ए बी की जगह यू वन यू टू, ठीक है, बी वन बी टू, तो ये वी टू प्लस यू टू है, डिवाइड में आर एच एस का डिवाइड कर दो, एम टू इंटू वी टू माइनस यू टू, एम टू से एम टू कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है, M1 से M1 कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, U1 plus V1 बराबर V2 plus U2। अब देखो हमें इस समीकरण के साथ सोल्व करना है, भी आगे सोल्व करेंगे, तो इसी के अनुसार बदल लो वापिस। ये इतना काम हमने क्यों किया था, क्योंकि इसकी जरूरत देखो यहाँ पड़ रही थी, इसलिए हमने पहले इसको क्या कर दिया, पहले इधर ले आया, एक तरफ लेके कॉमन ले लिया, अगर ये यहाँ नहीं करते तो फिर हमें यहाँ दोबारा भी इस समीकरण को लिखना पड़ता, फिर इधर लाना पड़ता, इसलिए हमने यहाँ पहले ही बात कर काम कर लिया। अब देखो ये आ गई सिंपल फॉर्म, अब देखो U1 U2 एक तरफ है ना, इसके अंदर इसमें भी U1 U2 एक तरफ वापस ले आओ, अपनी अपनी जगह इसको इधर उधर क्यों किया था हमने, सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ दो घात में आ रही है, देखो पावर दो में आ रही है, तो इसको सोल्व करना कठिन है, इसलिए इसको एक घात में कन्वर्ट कर लिया, अब इसको सोल्व करना दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। अब क्या करो, U1 U2 को एक तरफ रख लो और V1 V2 को एक तरफ रख लो, तो ये U1 और U2 इधर है, इधर आए कि माइनस U2 बराबर V1 प्लस का, इधर आ गए माइनस का, माइनस का V1 प्लस का V2, चाहे V2 माइनस V1 लिख लो, वो तो एक ही बात है। समीकरण नंबर दे दे इसको चार। अब देखो ये समीकरण काम आने वाली है, अब देखो समीकरण अपने पास एक और चार, कितनी दो समीकरण रखे, मान भी कितने चाहिए दो, कौन सा V1 और, ठीक है, समीकरण भी दो है और मान भी दो चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालने कैसे हैं, निकालने कैसे हैं, अगर हमें V1 का निकालना है तो हमें V2 को हटाना पड़ेगा, V1 का निकालना है तो और V2 का निकालना है तो, अब देखो V2 का निकालते हैं, पहले V2 का निकालते हैं तो V1 को हटाना है, V1 कब हटेगा, जब ऐसा ही सेम स्टेप यहाँ होगा तो हट जाएगा, एक प्लस एक माइनस होगा तो हट जाएगा ना। अब यहाँ वी वन के गुणा में क्या आ रहा है, यहाँ वी वन के गुणा में माइनस एक है और कुछ नहीं है, तो हमें काटने के लिए माइनस तो चाहिए, अगर नहीं आता तो घटा देते, और माइनस है तो जोड़ दो डायरेक्ट कट जाएगा, माइनस नहीं है तो घटा दो, प्लस को माइनस कर देंगे,
लेकिन अब ये बराबर होगा, पांच में से पांच ही तो जीरो करेंगे, पांच में चार थोड़ी जीरो कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, सेम वैल्यू यहाँ आनी चाहिए। तो सेम वैल्यू आने के लिए इसके गुणा में क्या देख लो, क्या है M1 है, तो इस समीकरण को किससे गुणा कर दो, M1 से गुणा कर दो। लेकिन गुणा ऐसा नहीं है भी एक को कर दो, ऐसा नहीं है, गुणा किसको करना पड़ेगा, पूरी समीकरण को। कभी भी किसी भी समीकरण में परिवर्तन किया जाता है तो पूरी समीकरण में इस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है कि रिजल्ट नहीं बदले, केवल लिखने का तरीका बदल जाए। कि पूरी समीकरण को M1 से गुणा कर रहे हैं तो M1 को लेके काट भी तो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इक्वेशन में, केवल लिखने का तरीका जैसा हमें चाहिए वैसा बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अब क्या करना पड़ेगा, देखो हमें देख लिया हमने V2 निकालना है, तो किसको हटाना पड़ेगा, ये समझ में आ जाएगा, दूसरा स्टेप अपने आप आ जाएगा, V1 को हटाने के लिए V1 जैसा होना चाहिए काम, तो V1 के गुणा में M1 है, तो M1 से पूरी समीकरण को गुणा कर दो, और ये प्लस में आ रहा है और ये माइनस में आ रहा है, कट जाएगा, इसीलिए जोड़ दो। घटाते कब है, जब निशान बदलने होते हैं, एक जैसे होते हैं तो फिर बदलना पड़ता है निशान, या तो पहले से अलग अलग है तो डायरेक्ट ही कट रहे हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में जोड़ दो। तो जो हम कर रहे हैं वो हम लिखना है हमें यहाँ, हम क्या कर रहे हैं, इस समीकरण चार को किससे गुणा कर रहे हैं, M1 से, फिर क्या कर रहे हैं, एक में जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण चार को गुणा करना है किससे, M1 से, फिर जोड़ना है किसमें, समीकरण एक में, ऐसे लिख दो चाहे पूरी लाइन लिख दो, भाई समीकरण चार को M1 से गुणा करके समीकरण एक में जोड़ रहे हैं, पर एक ही बात है, वैसे लिख दो चाहे डायरेक्ट ऐसे, ठीक है, हमें समझ में आना चाहिए। अब देखो ये समीकरण ऐसे कैसी लिख दो, समीकरण एक M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2, ये समीकरण उसके नीचे लिख दो M1 से गुणा करके, तो क्या आएगा M1 U1 माइनस M2 U2 बराबर माइनस M1 V1 प्लस M1 V2। अब यहाँ गलती हो जाती है, लिखते लिखते वन टू करते करते एक जैसे चिपका देतेगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि M1 से गुणा किया है तो ये कर ही दिया मैंने, ये M1 से गुणा किया ना तो M1 से ही गुणा करना, यही तो मैं कह रहा था गलती, ये गलती होती है, M1 से गुणा किया तो पूरी समीकरण को ही M1 से गुणा किए, जब वन टू करते समय हमें टू के साथ टू लगाने की आदत रहती है, वन के साथ वन लगाने की आदत रहती है, तो क्या किया, जैसे मैंने अभी लगा दिया था ना M2 U2 लिख दिया, तो M1 V1 तो U2 रखना ही, ठीक है, यहाँ भी M1 जिससे गुणा किया उसी से पूरी इक्वेशन को किए। अब देखो क्या हुआ, ये तो कट गए ना, इनको आपस में जोड़ रहे हैं, जोड़ लेंगे क्या आएगा, M2 V2 प्लस M1, ऐसे लिख दो। इसमें देखो क्या हो रहा है, दोनों एक जैसे हैं, एक और एक कितने हो गए, दो, तो दो M1 U1। अब इसमें दिक्कत रहे तो पहले लिख लो बाद में कॉमन ले लो, ठीक है, प्लस क्या आएगा, M2 U2 माइनस M1 U2, U2 कॉमन आ रहा है ना, क्या देगा, M2 माइनस M1 बच जाएगा ब्रैकेट में, बच जाएगा, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, V2 कॉमन आ रहा है, क्या बच जाएगा, M1 प्लस M2 बच जाएगा, V2 ही तो निकालना था, आ गया V2, तो यहाँ क्या लिख दें, तो 2M1 U1 प्लस क्या कॉमन आ रहा है, U2 कॉमन आ रहा है, U2 कॉमन ले लो, क्या आया, M2 माइनस M1, इसमें से क्या कॉमन आ गया, V2 कॉमन आ गया, M1 प्लस M2, वो एक ही बात है, M2 प्लस M1 लिखो, 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, एक ही बात है। अब V2 निकालना है तो V2 के अलावा जो भी है उसको दूसरी तरफ ले जाओ, V2 के अलावा क्या है, M1 प्लस M2, और इसके क्या गुणा में, ये देखो गुणा में ब्रैकेट लगता है, गुणा में ना, तो इधर आगे किस में चला जाएगा, ठीक है, तो V2 बराबर क्या आ गया, ये लिख दे पूरी समीकरण, 2M1 U1 plus U2 into M2 minus M1 upon M1 plus U2। ये जो समीकरण नंबर आई है पांच, ये किसको व्यक्त करती है, टक्कर के बाद में दूसरे कण को के वेग को व्यक्त करती है, V2 क्या दूसरे कण का वेग है, V1 क्या पहले कण का वेग, समझ में आ गई नहीं, तो अगर जैसे ये समझ में आ गए हैं तो हम V1 का मान भी निकाल सकते हैं, समीकरण वही दो है अपने पास, वैसे वो तरीका भी लगा सकते हैं दसवीं वाला, V2 का मान रख दो इसके अंदर, V1 का मान आ जाए, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, इधर लेके जाना घटाना जोड़ देना लघुत्तम लेना, ज्यादा अच्छा यही रहेगा ऐसे निकाल लो,
ऐसे निकालना आसान रहता है ना, एक समीकरण लिखो उसके नीचे दूसरी समीकरण लिखो और जो कट रहा है वो काट दो और सोल्व करके मान निकाल लो। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर भी सेम उसी तरह से करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, समीकरण नंबर एक का और समीकरण नंबर किसका यूज करेंगे, चार का यूज करेंगे, समीकरण नंबर चार। तो समीकरण नंबर चार में अब किसका गुणा करना पड़ेगा, अब हमें देखना है किसको हटाना है, V1, V2 आ गया ना, अब V1 निकाल रहे हैं, तो V1 के लिए किसको हटाना पड़ेगा, V2 हटाना पड़ेगा। V2 हटाने के लिए V2 वाली वैल्यू कटनी चाहिए, तो V2 के गुणा में क्या है, M2। तो गुणा किसका होगा, M2 का। इधर क्या आ जाएगा, M2 V2 है ही, यहाँ भी आ जाएगा M2 V2, लेकिन देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस घटाना पड़ेगा, निशान बदलने पड़ेंगे तभी कटेगा। अब क्या करें, अब आप क्या करोगे, समीकरण चार को, वही समीकरण चार अब के बार M2 से गुणा करके किसमें से घटाने पर, समीकरण एक से घटाने पर। आप इनको शॉर्ट में भी लिखने की आदत डाल सकते हैं, करने लग जाएंगे तो अपने आप एबिट हो जाएगी। आप ऐसे सीधा ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस किससे गुणा करना है, M2 into equation 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिख रहा है कि क्या करना है और क्या किया गया है, बाकी कैलकुलेशन में पता चलेगा। तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसी ऐसी लिख दे, M1 U1 प्लस M2 U2 समीकरण एक ऐसी ऐसी, M1 V1 प्लस M2 V2। अब इसको हमने गुणा किया है M2 से, M2 U1 माइनस M2 U2 बराबर माइनस M2 V1 और प्लस M2 V2। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये कटना चाहिए तभी तो V1 का मान है, कॉमन आ जाएगा तो V1 दोनों। तो क्या करें, ये कब कटेगा, जब ये माइनस होगा, माइनस कब क्या होगा, जब इसको घटाएंगे तो सारे निशान बदल जाते हैं। क्या करते हैं, इसके नीचे निशान बदल के लिख देते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, प्लस माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊपर के जो निशान है अब उनका महत्व खत्म हो गया, हमने बदल दिया इसको घटाने के लिए, बदल दिया ना, तो ये नीचे वाले निशान ही माने जाएंगे, ये काम आएंगे ये। अब क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, इधर देखें तो क्या आएगा, M1 V1 प्लस M2 V1। इधर क्या आएगा, इधर M1 U1 माइनस M2 U1 प्लस, ये दोनों देखो एक जैसे हो गए ना, 2M2 U2 क्लियर। इन दोनों में से U1 कॉमन आ रहा है तो U1 निकाल लो कॉमन, क्या बचा, M1 माइनस M2 प्लस 2M2 U2 बराबर, इनमें से V1 कॉमन आ गया, ये बचा M1 प्लस M2। V1 चाहिए हमें, डिवाइड में ले दो तो V1 बराबर आ गया U1 इंटू M1 माइनस M2 प्लस 2M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। और ये आ गया, देखो दोनों एक जैसे सी है इक्वेशन, तो ये याद नहीं रहती है किसी, मेरे को याद नहीं है ये बाकी तो जाए तो अच्छी बात है, याद रहे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 1-2-1-2 करना, तो सबसे बढ़िया रहता है पूरा क्वेश्चन जब पूछा गया है तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तो हम सॉल्व करके निकाल लेंगे, रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएंगे जो भी आएंगे, और कैलकुलेशन सही होगी तो रिजल्ट भी सही आएंगे। वैसे देखो दोनों में डिवाइड में क्या आ रहा है, M1 प्लस M2, ठीक है, दोनों कोणों का योग का डिवाइड होगा, बाकी अभी इसके अंदर देखना पड़ेगा। अभी 2 वाले वैल्यू में 2M1 U1 की स्टेप आ रहा है, M2 माइनस M1 आ रहा है, इसमें 1 वाले में 2M2 U2 का स्टेप आ रहा है, M1 माइनस M2 वाले, ठीक है। माइनस कॉमन लेके किताबों में लिख देते हैं, इसी माइनस यहाँ बाहर लिख देते हैं, माइनस को बाहर निकाला जा सकता है ना, ठीक है, बाहर निकाल लेंगे माइनस को तो अंदर क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, ये M1 प्लस का हो जाएगा M2 माइनस, ऐसे भी इसमें लिखा जा सकता है, जैसे इस फॉर्म में है ना, तो इस फॉर्म में तो सेम यही आ जाएगा, लेकिन यहाँ बाहर माइनस आ जाएगा, यहाँ बाहर प्लस, ठीक है। बाकी अब इसमें समीकरण 5 और समीकरण 6 बस ये सॉल्व हो गए, अभी यहाँ तक हमें सिद्ध करना होता है अगर पूछा जाए तो। समीकरण 5 व 6 किसको व्यक्त करती है, समीकरण 5 व 6 टक्कर के पश्चात कणों के वेगों को व्यक्त करती है, ठीक है।
अब देखो इसके अंदर एक दो बातें और है, वो भी हम इसके साथ ही कर लेते हैं बाद में, वरना दोबारा बात करनी पड़ेगी मिसाल बात होगी। इसमें देखो ये दो रिजल्ट हैं। अब वो स्थितियों की बात करेंगे कि एक कण रुका हुआ है, दूसरा गति कर रहा है, तो कैसे अप्लाई करें, उनसे भी जो रिजल्ट है उनको भी क्वेश्चन की लैंग्वेज बढ़ा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उन रिजल्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन भी, छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये तो मैं मिटा रहा हूं, अब देखो स्पेशल केसेस की एक दो की बात कर लेते हैं हम इसमें। एक बात तो ये कि ये मान लें कि दोनों कणों के दरमियान बराबर है, जैसे कंचे खेलते हैं तो उसकी बात करें तो उसमें क्या होता है, लगभग सारे कंचे समान होते हैं, कुछ की कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ हो जाती है तो कुछ बिल्कुल छोटे छोटे बीच में एक दो आ जाते हैं, क्यों ऐसे होता है ना, कुछ बड़े भी आते हैं। तो उनमें सामान्यतः स्थिति क्या ले रहे हैं हम कि यदि दोनों कणों का द्रव्यमान बराबर है, एम वन बराबर क्या हो, ठीक है, क्वेश्चन में इसको आपको लैंग्वेज में लिखा जाएगा क्या, M1 यदि दो कणों के द्रव्यमान बराबर है, ऐसे लिखा गया बराबर है तो हमें पता है कि M1 और M2 होते हैं, बराबर है तो हमें क्या लगाना है, M1 बराबर M2। दूसरी बात यूं कह दें तथा दूसरा कण स्थिर है, दूसरा कण स्थिर है, इसका मतलब क्या हुआ, U2 बराबर 0, इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो कण है, ये M2 द्रव्यमान है, इसका वेग 0 है, ये तो रुका हुआ है, ये एक इधर से आ रहा है, इसका द्रव्यमान M1 है और इसका वेग क्या है, ये आ रहा है इधर। अब इसके बाद में टक्कर से पहले की स्थिति है ना ये, तो बाद में क्या होगा, कौन किधर जाएगा, वो बाद की बात है, किस वेग से जाएगा, उसके लिए हमें व्यंजक बताना है। तो हमें रिजल्ट देखना है कि कैसे आएंगे इस स्थिति में। अब देखो ये कंडीशन हो गई ना, ये दो बातें हमें पता चल गई, तो ये दो बातें आप दोनों समीकरणों में, पहला कण का क्या होगा और दूसरे का क्या होगा, ठीक है। तो पहले कण का टक्कर से पहले वेग है वो U1 है, बाद का जो वेग है वो U2, दूसरे कण का जो वेग है वो U2 है जो 0 है, टक्कर के बाद में पहले कण का वेग V1 हो जाता है और दूसरे का, तो V1 V2 के मान हमें बताना है। देखो क्या होगा, तो टक्कर के बाद V1 की बात करें तो V1 की ये रही समीकरण, एक तो M1 बराबर M2 रखना है, तो M1 बराबर M2 बराबर M मान ले, दोनों का समान ही ना, तो दोनों को ये मान ले, तो यहां भी M रखें, यहां भी M माइनस M क्या हो गया 0, 5 माइनस 5 क्या होता है 0, M माइनस M भी क्या हो गया 0, किसी संख्या में वही संख्या घटाएंगे तो इसको सोचने की बात है, क्या आएगा 0। तो यहां दूसरी बात M2 की जगह M रख देंगे तो ये क्या आएगा, ये तो हो गया पहला स्टेप 0, दूसरा स्टेप आएगा 2MU2 बाद में M1 प्लस M2 है ना, दोनों समान है, कितना हो गया 2M हो गया, तो V1 बराबर क्या आ गया देखो 2MU2 और ये M प्लस M2M हो गया, तो क्या आ गया बराबर, या ये कह सकते हैं कि V1 बराबर किस किस के मान आ गया, ये यानी V1 का जो वेग है वो किसके बराबर हो जाएगा, U2 का वेग कितना है 0, इसका मतलब V1 का कितना हो जाएगा 0, इसका मतलब जो जा रहा कण वो तो वहां जाके रुक जाएगा, जो कण जा रहा है वो तो क्या होगा वहां जाके रुक जाएगा। ये इनके मतलब ये निकाल तो लिए लेकिन इनके मतलब भी पता होना चाहिए, रिजल्ट है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक कण तो कंचा रुका हुआ है और दूसरा आके टकरा रहा है उसको, ठीक है, जो टकरा रहा है उसकी गति है, उसका वेग है U1, जो रुका हुआ उसका वेग है 0, U2 है, टक्कर के बाद में क्या हुआ V1 मतलब पहले कण का वेग जो आ रहा था वो पहला कण है, उसका वेग किसके बराबर हो जाएगा, दूसरे कण के वेग के बराबर, दूसरे कण का जो टक्कर से पहले वेग है वो U2 है उसके बराबर, और U2 कितना है ऊपर 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा उसका वेग 0 हो जाएगा, यानी वो तो वहां जाके रुक जाएगा। अब देखो दूसरे का क्या होगा वो निकालते हैं, V2 बराबर क्या आएगा 2M1 की जगह रखेंगे M U1, यहाँ पर M2 माइनस M1 है
तो m माइनस m करेंगे ये भी जीरो हो गया, प्लस क्या देगा जीरो, बाद में m प्लस m क्या आया 2m, 2m से 2m कट गया तो क्या आ गया v2 बराबर u1, यानी v2 क्या है टक्कर के बाद 2 लिखा है वो दूसरे कण का वेग है, 1 लिखा है वो पहले कण का, टक्कर के बाद दूसरे कण का जो वेग है वो किसके बराबर हो गया, तो टक्कर से पहले पहले कण का वेग था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दोनों यहां आगे टकराए, टकराने के बाद इन्होंने अपने वेग बदल लिए। तो क्वेश्चन क्या आता है, सिद्ध कीजिए प्रत्यास्थ टक्कर के दौरान यदि कणों के द्रव्यमान समान हो तथा एक कण स्थिर अवस्था में हो तो दोनों कणों के वेग परस्पर बदल जाते हैं, ये बढ़ा दी जाती है लैंग्वेज। तो अपने को क्या इसका मतलब क्या करना है, यहां तक तो करना ही है, उसके बाद ये भी सिद्ध करना है कि वेग कैसे आपस में बदल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति कब होती है, जब दो कंचे एक समान है, एक समान द्रव्यमान के है, दोनों कंचे एक समान द्रव्यमान के है, एक आ रहा है गति करता हुआ और दूसरा रुका हुआ है, वो आके यहाँ टकराता है और फिर क्या होता है जो टक्कर की है जिसने वो तो वहां जम जाता है और वहां बड़ा आगे चला जाता है। तो क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ वहां, जो कट जो ये कंचा आ रहा था इसने अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा उसको दे दी, क्योंकि हम प्रत्यास्थ टक्कर मान रहे हैं इसलिए हम मान रहे हैं कि उसमें ऊर्जा में आनी नहीं होगी, एक्चुअल में होती है थोड़ी, बिल्कुल उसके बराबर नहीं होती, वो थोड़ी कम होती है उसकी ऊर्जा, क्योंकि जो आवाज आती है ध्वनि ऊर्जा वो भी उसी में से कन्वर्ट होकर जाती है। तो जब ये कंचा आगे टकराएगा तो पहले वाला कंचा इसके वेग से चला जाएगा, तो इसने अपना वेग तो उसको दे दिया, अब इसकी ऊर्जा तो हो गई खत्म, इसलिए ये वहां आगे रुक जाएगा। इसीलिए कंचों में हम वो स्थिति देखते हैं कि हमने एक मारा, हमने दो मारा, वो तो जाके वहां पे बैठ गया और वहां बड़ा आगे चला गया। तो वहां क्या होता है, वहां कण जो है वो ऊर्जा का एक्सचेंज कर लेते हैं, आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं। और ये स्थिति कब होती है, जब दोनों के द्रव्यमान समान होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं, उस समय ये स्थिति होती है। तो इसका रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, इस स्थिति में दोनों कण, शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, दोनों कण परस्पर, परस्पर का मतलब आपस में, परस्पर अपने वेग बदल लेते हैं। क्लियर। अब दूसरी केस लेते हैं, केस नंबर दो, यदि m2 इज ग्रेटर 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 देन m1 एंड u2 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, यदि m1 m2 इज ग्रेटर ग्रेटर देन फ्रॉम m1 एंड u2 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब दो कण है जिसमें दूसरा कण जो है वो उसका द्रव्यमान, ये दो ये निशान किसका ग्रेटर देन का, मतलब ये मान बड़ा है और ये निशान दो बार तीन बार चार बार जब लगा देते हैं इसका मतलब इसका मान बहुत बड़ा है। ठीक है, तो कंचे आते हैं ना कुछ तो बिल्कुल बारीक बारीक से आते हैं छोटे छोटे और कुछ इतने मोटे आते हैं, तो वो स्थिति है ही। तो उस स्थिति में क्या है, ये तो है M2 और ये गरीब है M1 है, तो और ये रुका हुआ है, तो इसका वेग क्या है U2 बराबर जीरो, और ये गति करता हुआ आ रहा है, इसका वेग क्या है। इस स्थिति में क्या लेते हैं कि M1 का जो वेग द्रव्यमान है, M1 इस कण का द्रव्यमान वो M2 की तुलना में बहुत कम है, इतना कम है कि उसका इसके सामने कोई महत्व नहीं है, समझ आ गई बात। तो उसी स्थिति में क्या होगा, उसी स्थिति में क्या होगा, पता क्या होगा, ये कण जाएगा टकराएगा और वापिस आ जाएगा और ये कंचा लेगा ही नहीं, इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसके कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समीकरण पांच और छह से नहीं होगा, सिद्ध कर सकते लेंगे हम इसको, प्रूफ कर सकते हैं जब मान रखेंगे। अब देखो रिजल्ट कैसे आने चाहिए, हमें ये तो पता है भाई एक अंचा बहुत बड़ा है, दूसरा छोटा सा जाएगा टक्कर खा के वापिस आ जाएगा, वो वहां बैठा रहेगा और ये वापिस आ जाएगा लौट के। लेकिन इस बात को गणितीय लैंग्वेज में कैसे लिखे, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखे, इस बात को गणित में कैसे लिखे कि जाएगा और आ जाएगा जाएगा आ जाएगा, ये तो कैसे लिखे इसको, इसको कैसे लिखे कि ये देखो ये पहले भी रुका हुआ था अब भी रुका ही हुआ है, इसका मतलब टक्कर से पहले भी इसका वेग जीरो है और टक्कर के बाद में भी इसका वेग जीरो है। इसका मतलब इस स्थिति के जो रिजल्ट है वो कैसे आने चाहिए, पहले रिजल्ट हमें पता हो कैसे आने चाहिए। टक्कर के बाद का जो वेग होता है दूसरे कण का वो v2 होता है, तो v2 क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है इसका, इसके
कुछ हिल ही नहीं रही तो इसका जो वेग है वो क्या होगा? इसका मतलब V2 तो क्या आना चाहिए? जीरो। अब V1 क्या आना चाहिए? इसका क्या वेग होगा? ये जिस वेग से जाएगा उसी से, तो V1 बराबर क्या होना चाहिए? इसका वेग क्या है? तो बाद में भी इसका वेग यही रहेगा, लेकिन सही है क्या? ये सही है क्या? सही है। ये जिस वेग से जाएगा उसी वेग से ये वापिस आ जाएगा, तो V1 बराबर क्या हुआ? सही है कि? लेकिन क्या हो रहा है, जब जा रहा है तब किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, और जब आ रहा है तब किधर आ रहा है? इसीलिए क्या आएगा? ठीक है, ये इसका मतलब हमें रिजल्ट ऐसे प्राप्त होने चाहिए, तो हम बिल्कुल उनको देख के एग्जैक्टली बता सकते हैं भी ऐसे रिजल्ट आएंगे। सिद्ध करने के लिए बड़ा मास इक्वेशन है, इनसे सिद्ध कर लेते हैं हम अपने। समझ में आ गया ना ये बात क्या है? तो इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि एक कण दूसरे की तुलना में बहुत अधिक द्रव्यमान रखता है m2, और शॉर्ट में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं m2 is greater greater and greater than m1, m1 की तुलना में बहुत ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा द्रव्यमान है इसका, तो क्या होगा? तो इस स्थिति में ये तो हिलेगा नहीं और ये वापिस आ जाएगा, तो इसका जिस वेग से गया उसी से वापिस आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम दीवार पे बॉल मारते हैं तो क्या होता है, जिस वेग से गई उसी से वापिस आ जाती है, अपने पास जितना बल लगाते हैं उतना प्रतिक्रिया बल लग जाता है, वही स्थितियां यहाँ होंगी। लेकिन जब जा रहा है तब इस दिशा में जा रहा है, आ रहा है तब इस दिशा में, दिशा क्या हो गई? विपरीत। विपरीत दिशा को लिखते हैं माइनस से, इसलिए किस में आएगा ये मान? माइनस में। तो यहाँ लिख देंगे इसके रिजल्ट, देख लो सिद्ध करने के लिए। वी वन का मान देखिए, वी वन का मान माइनस यू वन आना चाहिए यहाँ से देखें। तो अब क्या है, एक बात और यहाँ ध्यान रखें कि जब m2 is greater greater than m1 है, तो m1 का मान बहुत थोड़ा है, थोड़ा तो उसको नगण्य मान सकते हैं। इट मींस m1 can written as a zero, इसको किस फॉर्म में लिख क्या मान सकते हैं? लगभग जीरो मान सकते हैं। समझ में आ गया ना बात, बहुत थोड़ा है इसलिए कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा, इसलिए इसको लगभग जीरो। तो m2 तो हो गया जीरो, जब ये जीरो रखेंगे तो ये मान तो गया जीरो, गुणा होता है जीरो गया ना, और इसमें ये जीरो हो गया, तो क्या बचा? यू वन एम वन, यू वन एम वन बचा, यू वन एम वन, और भाग में क्या बचा? एम टू, तो सॉरी एम वन जीरो ले लिया ना हम, ये एम वन कौन सा कण हल्का है? पहला कण हल्का है, एम वन हल्का है, ज्यादा भारी कौन सा है? एम टू के मान का, एम टू का मान ज्यादा है। ठीक है, तो जिसका कम है उसको छोड़ना है नगण्य मान क्रम में, तो m1 का कम है इसलिए m1 को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक है, m1 को हम नगण्य मान कर छोड़ देंगे। तो रिजल्ट देखो, v1 में क्या रिजल्ट आएंगे, यहां से क्या रिजल्ट आएंगे? ये आया u1, ये तो जीरो हो गया ना, यहाँ क्या माइनस m2, तो यहाँ क्या माइनस m2। ठीक है, यहाँ क्या है? 2m2u2। अब देखो m2 तो है द्रव्यमान ज्यादा है ना, तो वो तो काम है। u2 क्या है? जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका वेग कितना है? तो जीरो से गुणा हो गई, ये तो क्या हो गया? भाग में क्या है? m1 plus m2, तो m1 तो लगभग जीरो है, तो क्या आएगा? m2, तो ये आ गया m2, तो m2 से m2 कट गया, तो v1 बराबर क्या आ गया? और ये तो आना चाहिए था, ये तो v1 बराबर माइनस u1, और दूसरा v2 का मान क्या आना चाहिए? जीरो। यहां सॉल्व कर लेते हैं, तो v2 बराबर देखो m1 क्या नगण्य है? जीरो, तो ये स्टेप तो क्या हो गया? जीरो। प्लस इसमें देखें तो m1 तो जीरो है, m2 को लेना है हमें, लेकिन इसके गुणा में क्या है बात? और u2 का मान कितना है? जीरो, तो जीरो से गुणा होते दूसरी वैल्यू भी जीरो, और जीरो में किसी का भी भाग दे दो क्या आएगा? जीरो, इसलिए v2 का मान भी क्या हो गया? जीरो। तो इस तरह से अगर ये कह दें, इसमें क्या लिखना है, यदि m2 is greater greater than m1 हो तथा दूसरा कण स्थिर हो, u2 का मान जीरो, तो उसी स्थिति में पहला कण जिस वेग से जाएगा उसी वेग से टकरा कर वापस लौट आएगा, और दूसरा कण जहां है वैसे वैसा रहेगा, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बाद छोटी छोटी एक दो बातें और है, चैप्टर पूरा हो गया लगभग, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको पढ़ लें। Thank you.